Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the blessed name of the Lord. Hallelujah. Praise the blessed name of the Lord. Jesus of Nazareth, blessed be your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Praise your name. Praise your name. Praise your name. Glorify you. Glorify you, Jesus of Nazareth. Lord, we glorify you this morning. We glorify you. Lord Jesus, we glorify your name. We exalt you, Lord Jesus. Jesus of Nazareth, we exalt you, exalt you, exalt you. Hallelujah. Praise your name, praise your name, praise your name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. हालेलुया जय यीशु मसीह की। आइए हम मिलके गाएं साम 31 31 भजन को मिलके गाते हैं। हालेलुया। मैं तंग हाल होया, मैं तंग हाल होया, करी रब्बा तू दया, करी रब्बा तू दया, अखियां मेरियां गम नल परियां, जान ते तन जांदा रहा, जान ते तन जांदा रहा, मैं तंग हाल होया, करिया रब्बा तू दया, गम दे नाल मेरी जिंदगी मुक गई, बेला मेरा बीत गया, वेला मेरा बीत गया, मैं तंग हाल होया, करी रब्बा तू दया, जोर मेरा बुरे आई नाल कटिया, जोर मेरा बुरे आई नाल कटिया, हड्डियां नू सोकण जिया, हड्डियां नू सोकण डया, मैं तंग हाल होया, करी रब्बा तू दया, वैरियां ते गवांडियां दे विच मैं, वैरियां ते गवांडियां दे विच मैं, शर्म अंदर हां पया, मैं तंग हाल होया, करी रब्बा तू दया,
करी रबा तू दया, जान पछाण वाले सब में तो डर दे, जान पछाण वाले सब में तो डर दे, रामे तो वख कर लिया, रामे तो वख कर लिया, मैं तंग हाल होया, करी रबा तू दया, करी रबा तू दया, मोया वांग मैं भुलिया सबनू, मोया वांग मैं भुलिया सबनू, हां टुटे भांडे जया, हां मैं टुटे भांडे जया, मैं तंग हाल होया, करी रबा तू दया, करी रबा तू दया, करी रबा तू दया, मैं तंग हाल होया, मैं तंग हाल होया, करी रबा तू दया, करी रबा तू दया, करी रबा तू दया, करी रबा तू दया, मैं तंग हाल होया, मैं तंग हाल होया, करी रबा तू दया, करी रबा तू दया। Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। आइए हम सब अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं, कुछ समय प्रभु की स्तुति करें। Hallelujah. प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे। सब अपना मुंह खोलिए, प्रभु यीशु मसीह का नाम पुकारिए। हालेलुया, प्रभु आपका धन्यवाद, यीशु मसीह आपके लहू की जय, लहू की जय, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, प्रभु जी आपके लहू की जय, आपके लहू की जय, आपके लहू की जय, आपके लहू की जय जयकार करते हैं यीशु मसीह। हम आपके लहू को पुकारते हैं, लहू को पुकारते हैं, लहू को पुकारते हैं, लहू को पुकारते हैं, प्रभु हम आपके लहू को पुकारते हैं, लहू को पुकारते हैं, लहू को पुकारते हैं, लहू को पुकारते हैं, प्रभु हम आपके लहू को पुकारते हैं, जिंदा लहू को पुकारते हैं, जिंदा लहू को पुकारते हैं, प्रभु हम आपके जिंदा लहू को पुकारते हैं, 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 जिंदा लहू को, जिंदा लहू को, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हालेलुया, आज का दिन आपने बनाया है, आज के दिन हम आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। लॉर्ड यू मेड दिस डे, यू क्रिएटेड एवरी सेकेंड ऑफ दिस डे लॉर्ड, यू डिजाइंड इट इन इटर्निटी लॉर्ड गॉड, यू प्लान्ड इट इन इटर्निटी, दिस इज अ ग्रेट डे, दिस इज अ डे ऑफ ब्लेसिंग, this is the day of fresh anointing, this is the day of walking closer with you, this is the day of drawing nigh unto you, Lord Jesus. Thank you for this blessed day, King of glory. Thank you for this blessed day, thank you for this blessed day, thank you for this blessed day, thank you for this blessed day,
Thank you for this blessed day, Lord. Lord, anoint us in a fresh way. Lord, anoint us in a fresh way. Hallelujah. Anoint each and every one that is online right now. I pray, anoint them. Anoint their household in a fresh way. Pour the oil of your presence. Lord, we seek the oil of your presence. Lord, we seek the oil of your presence. Lord, your presence, your anointed presence, Lord, your glorious presence will fall upon us this day. Your glorious presence will fall upon. Lord God, we seek your presence. We seek your face, Lord. We pursue your presence. Lord, we run after you. Hallelujah. Lord, we run after you. Lord, we need you this hour, need you this morning. We need you this day, Lord. We incline our ear to your voice, Lord. Hallelujah. We surrender our hearts to you. Lord, we cleanse our bodies in the blood of the Lamb. Lord, let my body be washed in the blood. Do mikwa of my body. Do tavila of my body this morning. Let my body be living, holy and pleasing sacrifice. Living, holy and pleasing. And I lay my body on the altar, on the brazen altar this morning. Cleanse my soul in the blood of the Lamb. I cleanse my heart in the blood. Let all malice, let all deceit, let all the works of the darkness be purged. Let my body, spirit, soul be cleansed. Hallelujah. In the water of the word of the Lord. Hallelujah. Tere kalam ke pani se dho tere logon ko aaj ki subah. Tere khoon ki kudrat se dho tere logon ko. Teri huzuri ke abar se saaf kar ek ek zindagi ko khudavand. Main tere huzur mein leke aata hu. Khudavand, is duniya mein duniya ki cheezon ko dhoondna bekaar hai. Is sansar mein sansarik cheezon ko dhoondna bekaar hai. Hum tujhe dhoondte hain. Hum tere talib hain. Hum tere mushtaq hain. Hum tere huzur mein aate hain. Teri huzuri ko dhoondte hain aaj ki subah, khudavand. तेरा धन्यवाद हो खुदावन, तेरे नाम की महिमा हो. हालेलुया, तेरी महिमा हो खुदावन, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो खुदावन, तेरी महिमा हो यीशु नासरी. तेरे नाम को सजदा करते हैं, तेरे नाम को सजदा करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं आज की सुबह. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड यीशु मसीह, तेरे जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं, आमीन. हालेलुया. सबको जय मसीह की, शालोम. अभी आप लोग कुछ कम हो गए हैं, कुछ लोगों को शायद इंटीमेशन नहीं मिला. तो चलिए आज हम परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे. आज मैं आपको एक बड़ा अद्भुत संदेश देना चाहता हूँ. बाइबल में से एक ऐसे दुष्ट व्यक्ति के विषय में बताना चाहता हूँ. एक ऐसा दुष्ट राजा इज़राइल का, जिसने पूरे इज़राइल के इतिहास को बदल दिया. मैं आज आपको एक ऐसे मनुष्य के, एक ऐसे शख्स के विषय में बताऊंगा, जिसके कारण पूरी कौम के ऊपर परमेश्वर की लानत पड़ गई. एक व्यक्ति जिसने पूरे कल्चर को बदल दिया, जिसने पूरे देश के भाग्य को उलट पुलट कर दिया. एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे के पूरे राष्ट्र के लोगों को उल्टे पथ पे चला दिया. एक व्यक्ति पूरे राष्ट्र को परमेश्वर से दूर ले गया. एक व्यक्ति ने पूरे देश को परमेश्वर की बरकतों से वंचित कर दिया. एक व्यक्ति ने पूरी कौम पे परमेश्वर का श्राप खोल दिया. एक व्यक्ति के कारण पूरे का पूरा देश उजड़ गया और गुलामी में चला गया. जस्ट वन मैन हु रीडिफाइंड एवरीथिंग अबाउट द नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इज़राइल. ऐसा हो सकता है क्या? क्या एक व्यक्ति पूरे राष्ट्र पे श्राप ला सकता है? क्या एक व्यक्ति पूरे के पूरे देश को परमेश्वर के मार्गों से मोड़ के शैतान के मार्गों पे ले जा सकता है? एब्सोल्यूटली यस. आज हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने पूरे देश के भाग्य बदल दिए. तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गलत अगुआ, एक शैतानी लीडर जिसके पीछे आप चल रहे हैं, अगर वो शैतान के काम करता हो, वो पूरी की पूरी कलीसिया, तो छोड़िए पूरे के पूरे राष्ट्र को अंधकार में ले जा सकता है.
और पूरे का पूरा देश अपनी मीरास खो सकता है, और पूरे का पूरा देश, पूरे का पूरा राष्ट्र यहोवा परमेश्वर के क्रोध को इस तरह भड़का सकता है कि यहोवा उन्हें दुश्मनों के हवाले कर दे। तो पढ़िएगा मेरे संग दूसरा इतिहास, जल्दी जल्दी कुछ वचन पढ़ेंगे आज, दूसरा इतिहास उसका 33 अध्याय, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 33। सुनिए इस व्यक्ति के विषय में, इस व्यक्ति का नाम है मनस्से। दूसरा इतिहास सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 33 वर्स नंबर 1, दूसरा इतिहास 33 अध्याय का पहला वचन सुने। मनस्से वॉज 12 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिगन टू रेन एंड ही रेन 55 ईयर्स इन जेरूसलम। ही डिड व्हाट वाज इविल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू द अबोमिनेशन ऑफ द नेशंस हुम द लॉर्ड ड्रोव आउट बिफोर द पीपल ऑफ इज़राइल। ये राजा जिसका नाम मनस्से है 12 साल की उम्र में राज करने लगा, 55 साल तक इसने राज्य किया। 55 ईयर्स में इसने इज़राइल का बेड़ा गर्क कर दिया। कैसे? क्योंकि उसने वो बदकारियां की, वो दुष्ट काम किए, वो बुराइयां की परमेश्वर की दृष्टि में जो अन्य जाति की अबोमिनेशन थे। द अबोमिनेशन ऑफ नेशन यहां पे वर्ड है। क्या चीज है ये अबोमिनेशन ऑफ नेशन? प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 19 वचन पढ़िए, वहां पे लिखा यहोवा परमेश्वर ने उन सात राष्ट्रों को, सेवन नेशंस को एनाइलेट कर दिया। सात ऐसे राष्ट्र थे जिनका बीज नाश किया यहोवा ने। टोटल वैसे 11 थे, लेकिन उनमें से सेवन को टर्मिनेट कर दिया यहोवा ने। दे बिकेम एक्सटिंक्ट। आज वो कहीं नहीं मिलेंगे। वो जेनेटिक पूल, वो पीपल ग्रुप, वो एथनिक ग्रुप, वो सात कल्चर जिन्हें यहोवा ने डिस्ट्रॉय किया, वो आज आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपको मालूम क्यों यहोवा ने इन्हें अबोमिनेशन ऑफ नेशंस कहा है इस वचन के अंदर? क्योंकि ये नफलीम है, ये गिबरीम है, ये मिंगल्ड सीड है, मिक्स्ड ब्लड है, इनके अंदर शैतानी बीज है। उस शैतानी बीज के राष्ट्रों को प्रभु यहोवा ने जब अदन के बाग में ये कहा स्त्री से कि तेरा बीज, और फिर शैतान सांप से कहा, सांप के बीज के सर को कुचलेगा, तो प्रभु यहोवा ने यह बता दिया कि सांप भी अपने बीज को जारी रखेगा और स्त्री का बीज भी जारी रहेगा, और सांप के बीज के सर को स्त्री का बीज कुचलेगा। तो प्रभु ने यह बता दिया कि एक संग्राम होगा गुलगथा की पहाड़ी पे। जबूरों के अंदर एक जबूर है जो इस युद्ध के विषय में बताता है, फिर किसी समय इसके ऊपर मैं मनन करूंगा। बल्कि बाइबल में 12 ऐसे जबूर हैं, मैसियानिक साम्स, जो मसीह के युद्ध के विषय में पूरे का पूरा विवरण देते हैं, लेकिन एक विशेष जबूर बहुत स्पष्ट रीति से बताता है कि कैसे संग्राम हुआ। क्रूस पे एक महासंग्राम हुआ, उसका नाम है गोलगाथा। मैंने आपको बताया था कि राजा दाऊद ने जब गोलियत को मारा, दाऊद के जीवन में एक विशेष बात यह थी, ही वॉज ऑन हंट टू डिस्ट्रॉय द मिक्स्ड ब्लड। दाऊद को यहोवा से यह मैंडेट मिला था। यूं ही नहीं यहोवा ने दाऊद को यह कहा, यह मेरे दिल के मुआफिक मनुष्य है जो मेरी मर्जी पूरी करेगा। दाऊद एक ऐसा गडरिया होगा जो यहोवा परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को पूरा करेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद को कुंजियां दी गई। हम बात करते हैं यशाया में, द कीज ऑफ द हाउस ऑफ डेविड। तो दाऊद के पास यूनिक कीज थी, दाऊद के पास एक यूनिक इंसाइट थी। डेविड नो द लॉर्ड गॉड ऑफ इज़राइल। David really knew who he was. David walked in very, very close proximity with the Lord God of Israel. And David could access the heart of God. David walked in that deep and profound relationship with the Lord, that the Lord shared his heart with David. And one of the things that the Lord shared with David was that David must destroy the mixed blood, the mingled seed, the hybrid generation. The seed that came after the fallen watchers cohabited with women. जब उन दूतों ने उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में स्त्रियों के संग संग किया और एक दानवों की कौम पैदा हुई, मनुष्य के बीज में शैतान ने अपना बीज मिलाया और बीज को मिक्स किया।
आपको मालूम परमेश्वर को हाइब्रिड पसंद नहीं, परमेश्वर को बीज मिक्स करना पसंद नहीं। परमेश्वर ने यहां तक कहा कि दो 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 फसलों का बीज मिक्स नहीं करना, दो फलों का बीज मिक्स नहीं करना। इट इज एन अबॉमिनेशन अनटू द लॉर्ड। तो राजा दाऊद ने जब गोलियत को मारा, उसके बाद राजा दाऊद गोलियत की तरफ दौड़ा, जब उसने उसके श्लिंग से पत्थर उसके सर के अंदर घुस गया। ऑब्वियसली गोलियत जो था, गोलायत, वो मरा नहीं था पूरी तरह, वो बेहोश होकर गिर गया। राजा दाऊद दौड़ा गया, उसके ऊपर चढ़ा, उसी की सोल्ड ली राजा दाऊद ने और उसका सर कलम कर दिया। और आप पढ़ेंगे राजा दाऊद ने एक बड़ा यूनिक काम किया, फर्स्ट सैमुअल में लिखा है, वो उसके सर को लेके यरूशलम चला गया। दाऊद गोलियत के सर को अपने हाथ में लेके यरूशलम गया एज अ सोवनियर, और उसने उसे हालेलुया मोरिया पहाड़ पे गाड़ दिया। मोरिया पहाड़ पे गाड़ा। आपको मालूम वो जगह जहां पे खुदावंद यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, उस जगह को कैलवरी कहा गया और उस जगह को कहा गया गोलगाथा। हिब्रू और लैटिन मुख्तलिफ भाषाओं में गोलगाथा कहा गया उसे, गोलायथ ऑफ गाथ, गोलियत जो गाथ का रहने वाला है। ये नाम गोलगाथा कहां से आया है? गोलगाथा, गोलायथ ऑफ गाथ। तो बहुत से बाइबल के स्कॉलर मानते हैं कि दाऊद ने जिस जगह गोलियत के सर को जमीन में गाड़ा, उसी जगह पे यीशु मसीह का क्रूस गाड़ा गया। गोलियत शैतान का बीज है, यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ा है वो औरत का बीज है। औरत का बीज शैतान के बीज के सर को कुचलता है। हालेलुया। तो बाइबल में ये बड़ा डीप विषय है, नफलीमों का बीज, फॉलन वॉचर्स का सीड, मिक्स्ड ब्लड, मिक्स्ड सीड, यही अब आ रहा है भाई और बहनों। परमेश्वर के कलाम के अंदर मिक्स सीड डाल के पादरी दे रहे हैं, झूठे प्रचारक, झूठे नबी, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे प्रेरित, परमेश्वर के कलाम के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं शैतानी बीज। वो इसके अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस बाइबल में लिखा है, वो बदरुओं की तलीम प्रचार करेंगे। संत पौलुस लिखता है तिमोथियस को, कि वो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा देंगे। और ग्रीक वर्ड है डिडास्क्लिया डायमोनियन, द डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस, वो बदरुओं की तलीमें देंगे। और फिर दूसरी बात, यीशु मसीह क्या बताते हैं अपनी शिक्षा में? द डॉक्ट्रिन ऑफ मैन, मनुष्यों की शिक्षा, मनुष्यों की शिक्षा, मनुष्यों की बनाई गई तलीमें, मनुष्यों को आदर देने वाली, मनुष्य को सम्मान देने वाली शिक्षाएं और बदरुओं की तलीमें, इन दोनों का मिलन है इन अंत के समय में। मनुष्यों की शिक्षा और शैतानी आत्माओं की शिक्षा मिलके परमेश्वर के कलाम को करप्ट कर रही है, वाटर डाउन कर रही है, परमेश्वर के कलाम की सच्चाई के ऊपर परत चढ़ा रही है, मुलम्मा चढ़ा के उसको शुगर कोट करके लोगों को दे रही है। झूठा कलाम, झूठा प्रचार, सच्चा नहीं है वो वचन। परखें कलाम को गौर से। वचन में आपको मालूम यीशु मसीह ने कई बार वार्निंग दी है। यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो कोई तुम्हें धोखा ना दे, सावधान रहो कोई तुम्हें धोखा ना दे। परमेश्वर का कलाम अंत के दिनों के धोखे के विषय में बहुत ज्यादा चेतावनी देता है। प्रेरित पौलुस ने बहुत सी कलीसियाओं को पत्री लिख के चेतावनी दी, पत्रस ने बहुत सी कलीसियाओं को पत्री लिख के चेतावनी दी, यूहन्ना चेतावनी देता है, यकूब अपनी पत्री में चेतावनी देता है, यीशु मसीह की भविष्यवाणियां चेतावनी देती हैं कि अंत के दिनों में धोखा चर्च के अंदर होगा, कलीसिया के अंदर होगा, और बहुत बड़ा धोखा होगा परमेश्वर के कलाम को तोड़ने और मरोड़ने का, मनुष्यों की शिक्षा और बदरुओं की तालीम सिखाने का। बहुत बड़ा एक कारोबार होगा कि मसीह की कलीसिया को मसीह से दूर ले जाया जा सके। तो ये एक राजा है, सुनिए इसने क्या किया। इसने अन्य जातियों की शैतानी तालीम, वो जो गिराए गए दूत थे, उनके जो बीज थे, उनकी गंदी अबॉमिनेशन जो ये राष्ट्र दुनिया की कौमें करती थी, वो गंदे घिनौने काम इसराइल में ले आया। सुने आगे, अब तीसरा वचन, फॉर ही बिल्ट हाई प्लेसेस, उसने क्या किया, ऊंचे स्थान बनाए, ऊंची जगहों पे मूर्तियां बनाई,
जगवेदियां बनाई बदरुओं के लिए, दैट इज फादर हिजकिय्याह हैड ब्रोकन। अब देखें, इसका बाप इज़राइल के तीन धर्मी राजाओं में से एक है। तीन राजा धर्मी हैं इज़राइल में, पहला है राजा दाऊद, दूसरा है जोसाया, तीसरा है हिजकिय्याह। तीन धर्मी राजा हैं, इन तीनों में से एक इसका बाप है। और उसने अपनी उम्र दराजी मांगी खुदा से कि मेरी उम्र लंबी कर दे, और खुदावन ने उम्र लंबी कर दी। जब खुदावन ने उसकी, खुदावन ने पहले बोला था तेरा टाइम अप है, अपने जीवन का हिसाब किताब लगा ले, तुझे मेरे पास आना है। वो बिलक बिलक के रोने लगा दीवार की तरफ। यहोवा ने उसकी उम्र बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि उस राजा को प्रार्थना करना आता था। आज बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करना आता ही नहीं है। प्रार्थना प्रभु यहोवा के आगे कैसे करना है लोगों को यह मालूम नहीं है। तो प्रभु ने उसकी उम्र बढ़ा दी। हालांकि नबी ने बोल दिया था, यशाया ने वचन, कि तेरा टाइम पूरा हुआ। तो नबी अभी राजा के महल से उतर के जा ही रहा था नीचे, कि प्रभु यहोवा ने उसकी दुआ सुन ली। उसने दीवार की तरफ मुंह किया। आपको मालूम कौन सी दीवार? यरूशलेम की वो दीवार जो आज भी कायम है। हैकल को लूट के ले गया नबूकदनसर, लेकिन दीवार यरूशलेम की कायम आज भी, जिसे कोटल कहते हैं, वेलिंग वॉल, वो वहां पे मुंह करके रोया यहोवा की तरफ। यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुन ली। हालांकि यहोवा के नबी ने कहा था तू मर जाएगा, ये प्रभु यहोवा ने नबी को कहा वापस जा और उसे बता कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और तेरी उम्र बढ़ा दी है। मैं सोचता हूं अगर उस राजा को, हिजकिय्याह को पता होता कि अब मेरी उम्र बढ़ गई है और अब मेरी इस बड़ी हुई उम्र के दिनों में मेरे घर में एक बेटा पैदा होगा जो बड़ा होकर इतना बड़ा दुष्ट बनेगा, तो या तो वो राजा अपनी इस औरत के पास ही ना जाता, या फिर राजा प्रभु से कहता मेरी उम्र ही मत बढ़ा। क्योंकि ऐसा दुष्ट राजा है, ये सुनिए अब ध्यान से। उसने हाई प्लेसेस बनाई जो उसके पिता ने ढा डाली थी, एंड ही इरेक्टेड ऑल्टर्स टू बाल्स एंड मेड अश्तरोथ एंड वर्शिप द होस्ट ऑफ हेवन। ये तीन चीजें हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से। तीसरा वचन पढ़िए, दूसरा इतिहास 33 अध्याय का तीन वचन, इसे लिख लीजिए कहीं, इसे बड़ा करके किसी चार्ट पे लिखिए। ये तीन पाप हैं बाइबल में सिर्फ। कौन कौन सा पाप है? पहला पाप है बालीमों की पूजा, अश्तोरेत की पूजा और आकाश के गणों की पूजा। ये तीन ही शैतानी पूजाएं हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में आप घूम लीजिए, सुमेर की सभ्यता को देखिए, अकेडियन की सभ्यता को देखिए, आप हिटियन की सभ्यता को देखिए, कैनानाइट की सभ्यता संस्कृति को देखिए, आप मिस्र की सभ्यता संस्कृति को देखिए, आप यूनान की सभ्यता संस्कृति को देखिए, आप रोम की सभ्यता संस्कृति को देखिए, आप मिडल ईस्टर्न सभ्यता संस्कृति को देखिए, आप पूर्व देश के लोगों की सभ्यता संस्कृति को देखिए और उनकी पूजा पद्धति देखिए, वो किसकी पूजा करते हैं। ये तीन चीजों की ही पूजा हो रही है दुनिया में, बालीम अर्थात बाल, अश्तोरे उसकी औरत और आकाश के गण। ये तीन क्या हैं? सुन लें ध्यान से। ये सारे दुनिया के धर्म बैबलोन से पैदा हुए हैं। ये बाबुल की नगरी, बाइबल में बाबुल 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 हो रहा है पूरी बाइबल में। बाइबल कहती है बैबलोन से निकल आओ, बाबुल की नगरी से निकल आओ। बाबुल की नगरी से निकलने का मतलब क्या? ये तीन पूजा है। बाल का मतलब है पुरुष के अंग की पूजा, पुरुष का जो प्रजनन अंग है, गुप्त अंग है, उसकी पूजा, और अश्तोरेत औरत के गुप्त अंग की पूजा, और आकाश के गणों की पूजा। यही है पूरी दुनिया में। पुरुष के लिंग की पूजा है पूरे जगत में होती है। पढ़ लीजिए कल्चर सारे, हमारे देश में देख लीजिए, सबसे पुरानी पूजा पद्धति जो बेबलोन से निकली वो यही है, शैतानी पूजा, फालस की पूजा कहते हैं इसको। आप जाके देखिए पूरी दुनिया में, हमारे देश में भी देखिए। हमारे देश में उन्हें स्तंभ कहते हैं, बड़े बड़े खंभे बने हुए हैं प्राचीन समय के, जो आज से 4,000-4,000 साल पुराने, जिन्हें इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑबलिस्क। ऑबलिस्क बने हैं पूरे मिस्र में, हैं पूरे यूरोप में, हैं अफ्रीका में, हैं हमारे देशों के अंदर, हैं और ओरिएंटल कंट्रीज में हैं ऑबलिस्क। ये पुरुष के लिंग को दिखाते हैं जो जमीन पे ऑबलिस्क बने हुए हैं। आपको मालूम, सुनिए ध्यान से, ये जो क्रिसमस ट्री आप अपने घर में लगाते हैं ये ऑबलिस्क है, ये पुरुष का प्रजनन अंग की सूरत में बना हुआ है। ये धर्म
कॉन्स्टेंटाइन चर्च के अंदर लेके आया 325 एडी को, यही बेबीलोन की पूजा है। अश्तोरेथ वो औरत है जिसने बच्चा पकड़ा है, वो मरियम नहीं है, वो अश्तोरेथ है, वो सेमरामिस है, और उसने जो हाथ में पकड़ा है वो उसका बच्चा है तमूज। ये झूठी पूजा पद्धति को कॉन्स्टेंटाइन लेके आया चर्च के अंदर। तो ये पूजा है बाबिलोन की, प्राचीन शैतानी पूजा है, जो तीसरे वचन में लिखा है उसने बालीम बनाए, अश्तोरेथ और आकाश के गणों की पूजा की, एंड सर्व्ड देम, ही बिल्ट ऑल्टर इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। उसने यहोवा का जहां घर बना था, जिसे सुलेमान ने बनाया था, ब्यूटीफुल हाउस ऑफ द लॉर्ड, उसने यहोवा के घर के अंदर इनकी ऑल्टर बना दी, शैतानी ऑल्टर बना दी। किसने? इस राजा ने जिसका नाम है मनस्से, यहोवा के भवन के अंदर। हालेलुया। ही यह लिखा है बिल्ट ऑल्टर इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड विच द लॉर्ड सेड इन जरूसलम शैल माई नेम बी फॉर एवर। यहोवा ने कहा था इस शहर में, इस हैकल के अंदर मेरा नाम रहेगा हमेशा के लिए। उसी जगह उसने ये बाल, अश्तोरेथ और होस्ट ऑफ हेवन, पूरी दुनिया में ये तीन ही पूजा है, कुछ भी कहीं भी आप जाके अध्ययन कर लो, यही है शैतानी पूजा, यही है जो प्रभु कहता है गेट आउट ऑफ बेबीलोन, यही है जो प्रभु कहता है गिर गई बाबुल की नगरी, गिर गई बाबुल की नगरी। बाबुल की नगरी की लड़ाई है यरूशलम के साथ। मैंने आपको बताया यरूशलम वो शहर जिसे यहोवा बनाता है, और बाबुल वो शहर है जिसे निमरोद बना रहा है। और मनुष्य क्या कहता है, आओ हम अपने लिए नाम करें, आओ हम अपने लिए शहर बनाएं। वो गॉडलेस लोग हैं, वो परमेश्वर को चुनौती देते हैं, वो कहते हैं हमें परमेश्वर नहीं चाहिए, हम अपने लिए नाम बनाएंगे। और आपको मालूम क्या वर्ड है वहां पे, लेट अस मेक ए शेम फॉर आवरसेल्व्स। परमेश्वर का नाम है हशेम, दे वॉन्ट टू मेक शेम। शेम का मतलब क्या है, अथॉरिटी, अधिकार, हमारा अपना अधिकार हो, हमें यहोवा के अधिकार से कुछ लेना देना नहीं है। और वो बदरुओं, दुष्टात्माओं के संग मिलके यहोवा के विरुद्ध बलवा कर रहे हैं, बाबुल का जो बुर्ज बन रहा है। आज भी भाई और बहनों बहुत सारी चर्च के अंदर बाबुल के बुर्ज बन रहे हैं। कई चर्च के लोग तो टावर शब्द को बड़ा यूज करते हैं, टावर, फलाना टावर, ढिमका टावर। उनको ये नहीं मालूम कि टावर जो बुर्ज है ये पहले शैतान के लिए इस्तेमाल हुआ है, टावर ऑफ बाबेल, बेबीलोन का बुर्ज, शैतानी बुर्ज, जहां से शैतानी पूजा की पद्धतियां, शैतानी आराधना की पद्धतियां निकली हैं। और यहां पे क्या लिखा है, पांच वचन, एंड ही बिल्ट ऑल्टर फॉर द होस्ट ऑफ हेवन इन टू कोर्ट्स ऑफ द हाउस ऑफ द लॉर्ड। यहोवा के प्रांगणों के अंदर उसने क्या किया, राशियां जो है ना ऊपर, आकाश के गण राशियां, उन राशियों को बनाया ताकि उन राशियों की पूजा की जाए। और छठा वचन, एंड ही बर्नड हिज सन्स एज एन ऑफरिंग इन द वैली ऑफ द सन ऑफ हिनोम एंड यूज्ड फॉर्चून टेलिंग एंड ओमन एंड सॉर्सरी एंड डेल्ट विद मीडियम एंड विद नेक्रोमेंसी। सबसे और गंदा और घिनौना पाप उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने अपने बच्चों को आग में से, फायर में से निकाला और मोलक देवता को ऑफरिंग चढ़ाई। एक देवता था अन्य जाति का जिसे बच्चे ऑफर किए जाते थे, उस देवता की ये जो बेन हिनोम जो है, बेन हिनोम की एक वैली है, बेन हिनोम की वैली कहां है, यरूशलम के अंदर है, जो माउंट ऑलिव्स है, माउंट ऑलिव की जो नीचे तराई है, बेन हिनोम, जहां पे उस समय आग जलती रहती थी, कचरा फेंका होता था, गंदगी, और आग जलती रहती थी। जो हिनोम है वो गिहेनम, गिहेनम शब्द यहीं से निकला है, जिसे जहन्नुम कहा गया, अरबी लोग उसे जहन्नुम कहते हैं उर्दू में, द वर्ल्ड इज गिहेनम, गिहेनोम, वैली, गहराई की वैली। और देवता की मूर्ति बनाई मोलक की, लोहे की बहुत बड़ी मूर्ति, और उसका जो पेट होता था देवता का, उसके अंदर एक अवन था, भट्टी जलती थी, और उसके हाथ जो थे हॉलो थे, बड़े बड़े लोहे के हाथ, उसके हाथ में लोग अपने बच्चे को रखते थे और बच्चा स्लिप करके हाथ में से पेट में चला जाता था, जहाँ की भट्टी जलती थी आग की, और बच्चा जल जाता था आग में। अपने पहलौठों को उस शैतानी देवता को अर्पण करते थे ताकि उनके परिवार पे बरकत आए, ताकि उनके खेत खलियानों में बम्पर हार्वेस्ट पैदा हो, ताकि उन्हें सन, उन्हें सोना चांदी और संसार की बरकतें मिलें। इसलिए ये शैतानी काम करते थे, अपने बच्चों को उस देवता के आगे चढ़ाया करते थे। यहोवा
पासिंग थ्रू द फायर इसे लिखा गया, आग में से क्रॉस करना, मतलब इस दुनिया से क्रॉस करके दूसरी शैतानी दुनिया में बच्चों को भेज देना। बच्चों के द्वारा विच क्राफ्ट किया जाता था। और ये राजा क्या क्या करता था सुने, ये राजा जब बच्चों को अर्पण करता था, फॉर्चून टेलिंग, वहाँ पे भविष्य बताने वाले होते थे, ओमन्स जो शुभ अशुभ चिन्ह बताते थे, सॉर्सरी थी वहाँ पे जो जादूगरी करते थे, एंड डेल्ट विद मीडियम एंड नेक्रोमेंसर, वहाँ पे लोग होते थे जादूगरनियाँ और जादूगर होते थे जो बदरुओं से बातें करते थे, दूसरी दुनिया से बातें करते थे, और हर तरह का शैतानी काम वहाँ पे किया जाता था। और हैकल के अंदर यहोवा की हैकल को इस बंदे ने अपवित्र किया, और यहाँ पे लिखा है वहाँ पे अपने बच्चों को जलाया करते थे इज़राइली लोग। He did much evil in the sight of the Lord. उसने बहुत बुराई की, छठे वचन में लिखा यहोवा के खिलाफ, provoking him to anger, यहोवा को क्रोध दिलाया। आप ना भाइयों और बहनों, कई बार ऐसा जीवन जीते हो, ऐसे काम करते हो अपने जीवन में, आप यहोवा को क्रोध दिलाते हो, तो यहोवा को क्रोध मत दिलाइए। यहोवा के हाथ में पड़ना बहुत बुरी बात है, बड़ी भयानक बात है यहोवा के हाथ में पड़ना। यदि यहोवा का क्रोध भड़क जाए और यहोवा के क्रोधित हाथों में कोई मनुष्य पड़ जाए, तो कोई बिरला ही प्रभु का दास है जो आपको छुड़ा सकता है प्रार्थना करके। मूसा जैसा कोई बिरला दास, पौलुस जैसा कोई बिरला दास, हर एक के बस की बात नहीं है कि परमेश्वर के एंगर के सामने खड़ा हो सके। कोई एक धर्मी जन, कोई एक पवित्र जन, कोई एक प्रभु का सच्चा संत जिसका प्रभु के संग गहरा रिश्ता है, केवल उसकी प्रार्थना के द्वारा आप छूट सकते हो अगर यहोवा का क्रोध भड़क गया। इसलिए यहोवा का क्रोध मत भड़काइए, हालेलुया। वो बदकारी के, बुराई के, छिनाले के काम मत कीजिए जो इस राजा ने किए। और लिखा है उसको क्रोध दिलाया, एंड ही कार्व्ड इमेज of the idol that he had made, he set in the house of the Lord. मूर्तियां बना के उसने यहोवा की हैकल में रखी। संत पौलुस कहता है यहोवा के भवन का मूर्तियों के साथ क्या काम है, अंधेरे का ज्योति के संग क्या मेल है, धार्मिकता का अधार्मिकता के संग क्या मेल है। और आगे लिखा है, of which God said to David and Solomon his son, in this house and in Jerusalem which I have chosen out of all the tribes of Israel, I will put my name forever. मैं अपना नाम यहाँ पे स्थापित करूँगा, and I will no more remove the foot of Israel from the Lord. मैं इज़राइल के पैरों को उखाड़ूंगा नहीं इस धरती से। That I have appointed for your fathers, if only they will be careful to do that which I commanded them, the law, the statute, the rules given through Moses, Manasseh led Judah and inhabitants of Jerusalem astray to do more evil than all the nations whom the Lord destroyed before the people of Israel. इस राजा ने इतनी बदकारियां की, यहोवा ने कहा मैं अपना नाम यहां स्थापित करूंगा, मैं तुम्हारे पैरों को उखड़ने नहीं दूंगा, मेरे नाम को मैंने यहां स्थापित किया है, तुम ध्यान रखना कि तुम मेरे हुक्म, मेरी विधियां, मेरी आज्ञाओं की पालना करना जो मैंने अपने दास मूसा को दिए। और प्रभु कहता है कि मनस्से राजा ने इज़राइल को, यहूदा को इतना पाप करने के लिए उभारा, इतनी बदकारी करने के लिए प्रेरा, जितनी अन्य जाति के उन देशों ने भी नहीं की जिनके अंदर शैतानी बीज था। प्रेरितों के काम 13:19 में, जिन्हें यहोवा ने डिस्ट्रॉय कर दिया, मनस्से ने उससे भी बढ़ के गंदा घिनौना काम किया। आप पढ़िए दूसरा राजा 21 अध्याय, जल्दी से दूसरा राजा उसका 21 अध्याय, मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ता हूँ, मैं कुछ वचन जल्दी जल्दी आपको पढ़ देता हूँ। दूसरा राजा 21 अध्याय, देखिए, हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज यस मैसेज लिखिए। डिस्कनेक्ट हो रहा है इंटरनेट, प्लीज राइट मी यस इफ यू कैन हियर मी। हालेलुया, ओके। तो दूसरा राजा 21 अध्याय के 3 वचन से मैं आपके लिए शुरू से पढ़ देता हूँ। दूसरा राजा 21 अध्याय
यहाँ पे वही सेम कहानी लिखी है, आप फिर इसको पढ़ना है पूरी तरह खुद। दूसरा राजा 21 अध्याय आपने खुद पढ़ना है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको तीसरा वचन पढ़ देता हूँ। तीसरे वचन में लिखा है, ही बिल्ट द हाई प्लेसेस दैट हिजकिया हिज फादर हैड डिस्ट्रॉयड, ही इरेक्टेड ऑल्टर्स फॉर बेल एंड मेड एंड अशेरा एज एहब द किंग ऑफ इज़राइल हैड डन। अहाब जो राजा है इज़राइल का, सबसे दुष्ट राजाओं में से एक है, जिसकी पत्नी का नाम है इज़बेल। जो गंदे घिनौने काम उसने किए, ये राजा उससे भी गंदे घिनौने कामों में बढ़ गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हालेलुया। तो इंटरनेट थोड़ा सा डॉजी हो रहा है, तो अभी मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आपके साथ फिर 11 o'clock जुड़ूंगा, इसी सब्जेक्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स प्रे। खुदावंद, हम तेरे लहू की कुदरत को खोलते हैं, तेरे मसा को खोलते हैं। खुदावंद, तेरे कलाम की गहरी सच्चाइयों को हम जानें, गहराई से तेरे कलाम को समझें, और खुदावंद हमारा जीवन बचाया जाए, हमारा जीवन बच जाए खुदावंद। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद, हम अपने जीवन में वैल्यू ऐड करें तेरे कलाम से, और तेरे कलाम की रोशनी के अंदर हमारा जीवन प्रभु जी तेरे लिए एक रूहानी इमारत की तरह उसारी करता जाए। खुदावंद जी ऐसा काम करें, मैं आपका खून छिड़कता हूँ। खुदावंद, मैं साहिल भाई के पिता के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपका लहू छिड़कता हूँ साहिल भाई के पिता के ऊपर। करमजीत कौर पे आपका लहू छिड़कता हूँ, बॉबी आर्ट पे, इमैनुअल से होता उनके परिवार पे आपका खून छिड़कता हूँ। लॉर्ड, आई स्प्रिंकल योर ब्लड ओवर ललिता रसमन, ब्लेस हर। आई प्लीड योर ब्लड ओवर तनुजा सेठ, ओवर तारा बंसल, ओवर डायना क्रिस्टी एंड हर फैमिली। आई प्लीड योर ब्लड, प्लीड योर ब्लड ओवर चंद्र मोहन एंड हिज फैमिली, ओवर अमरजीत कौर एंड हर हाउस होल्ड, ओवर अनीता रानी। लॉर्ड, आई प्लीड योर ब्लड, लॉर्ड गॉड, आई प्लीड योर ब्लड ओवर ब्रदर विजय कुमार, ओवर ब्रदर ललित मेहरा एंड हिज हाउस होल्ड। लॉर्ड, आई प्लीड योर ब्लड ओवर यहोना गिल एंड हिज हाउस होल्ड। आई प्लीड योर ब्लड, लॉर्ड गॉड, ओवर ममता सब्बरवार ग्रोवर। आई प्रे फॉर हर्षित, हर सन, लॉर्ड, दैट लॉर्ड यू विल ओपन डोर फॉर हर्षित इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लेस सुरेंद्र कौर, लेट योर हैंड बी अपॉन सुरेंद्र कौर, लॉर्ड ऑलमाइटी। हालेलुया। लॉर्ड ब्लेस ई इंजीनियर सैम, आई प्लीड योर ब्लड ओवर हिम। हालेलुया। Lord, I pray for Danish. Danish, plead your blood over Danish. Danish, I plead your blood over Lena Davidson. Bless Lena Davidson and her household. Bless Bini Love and his ministry and his household. Lord, I pray in the name of Jesus. Lord, for Rajinder Kumar John, for your blessing, for your anointing. I pray for Abhishek Sood, Lord, that your angels will fight for Abhishek Sood and his household and for his property. Lord, your angels will fight in the mighty name of Jesus. Hallelujah. I pray for Tanuja Seth. I pray for Santosh Khanna, for your blessing. And Lord, I pray for Lalita Rasman's children, that you would bless them, Father. Lord, whatever is prayer concern upon our heart, I pray, Lord, that you would reach out at the point of her need in the mighty name of Jesus. Bless Tara Bansal and her household. Hallelujah. Lord, I thank you. Lord, I bless you. Lord, I give you praise. Lord, I give you honor. Lord, bless Manisha Singhi. Bless her husband, Lord. I pray for her husband that he will get to see your glory and he will bend his knees, Lord, before you, Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. Khudavan, tere tamam in logon ko tere khoon mein chipata hun. तेरे लहू में इन्हें छिपाता हूँ खुदावन, तेरे लहू की कुदरत, तेरे लहू की हजूरी तेरे लोगों के ऊपर खोलता हूँ खुदावन। हालेलुया, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, तेरे लहू की जय हो यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति कैसे पूरे के पूरे राष्ट्र की डेस्टिनी चेंज कर सकता है। वन मैन कैन लीड द होल नेशन एस्ट्रे। वन लीडर इन अ पोटेंशियल position can really really cause such an impact that would be almost irreversible. What this vicious evil king Manasseh did was absolutely irreversible, so much so that the whole nation went
in captivity because he provoked the Lord to anger. Hallelujah. तो मैं 11 o'clock फिर जुड़ूंगा, 11 o'clock इसे हम कंटिन्यू करेंगे, 11 बजे इस विषय को हम कंटिन्यू करेंगे. हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे. जय मसीह.